हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत वो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर रहे हैं, और अब तक हमने वो थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम देखेंगे कि प्रत्येक टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत संभावित प्रश्न होंगे, और ये अति महत्वपूर्ण होंगे। और इनमें से कुछ क्वेश्चन से हमें पिछले प्रश्न पत्र में से भी उठे हैं, तो उनसे मिलाकर है वो आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और थ्योरी की क्लासेस होपफुली सारी आपको पसंद आई होगी। और प्रत्येक टॉपिक में से अगर किसी में भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हम ये सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हमारे यूट्यूब पे कौन कौन से सेशन होते हैं। तो हमारा यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर का सेशन होता है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये सुबह 5 बजे होता है, ठीक है। डेली करंट अफेयर का दूसरा सेशन होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सुबह 6 बजे होता है। और पॉलिटी का कोर्स हमारा एक अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन ये बेसिकली संडे को होता है, सॉरी, दोपहर 12 बजे। और इसमें है वो पूरे सप्ताह के जो करंट अफेयर होते हैं उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों का है वो संकलन करके इसमें रिवीजन करवाया जाता है। और मंडे टू सैटरडे दोपहर के 12 बजे जो कि सामान्य हिंदी का सेशन होता है, ठीक है। तो आज हम प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको अगर कीवर्ड ढूंढना है तो कीवर्ड है मूल संविधान, ठीक है। मूल संविधान दिया हुआ है, और कई बार क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि भारत के संविधान में या वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो वहाँ पे है वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां, ठीक है। इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ठीक है। विकल्प नंबर 2 सही होगा, लेकिन हम यहाँ पे विकल्प नंबर 1 और 3 को भी देखेंगे कि उनसे संबंधित क्या है। अब यहाँ पे अगर मूल संविधान दिया होता है तो मूल संविधान में है वो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो हम इसको है वो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अगर मूल संविधान लिखा है, ठीक है, तो मूल संविधान में है वो 395 अनुच्छेद होंगे, ठीक है। और अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो 8 अनुसूचियां होगी। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता वर्तमान संविधान, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड का ही ध्यान रखना है, तो वर्तमान संविधान लिखते ही यहाँ पे हो जाएंगे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक है। वर्तमान में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई है, जबकि मूल संविधान में वो 8 अनुसूचियां ही थी। 9, 10, 11, 12 को है वो बाद में जोड़ दिया गया। 9वां अनुसूची थी भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, 11वीं है पंचायती राज और 12वीं है नगरीकरण से संबंधित, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। और यहाँ पे अगर थर्ड ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ 22 अनुसूचियाँ लिखा हुआ है, बेसिकली 22 अनुसूचियाँ नहीं, जो संविधान के भाग है वो 22 है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखना, इनकी संख्या तो 22 ही रहेगी, लेकिन अगर इसमें और जुड़ते रहते हैं तो वो अंदर ही जुड़ते हैं अनुच्छेद के अंदर, बल्कि अलग से इनकी संख्या है वो काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया और इसका उत्तर होगा बी। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का है वो प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, दूसरा ऑप्शन है 312 और तीसरा अनुच्छेद है 123 और फोर्थ ऑप्शन है 213। तो यहाँ पे बात की जाए तो इसका सही उत्तर तो होगा अनुच्छेद 312 के तहत है वो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, ठीक है। लेकिन हम इसमें से आर्टिकल एक बार सब देख लेते हैं। आर्टिकल 249, ठीक है, इसमें ये होता है कि राज्य सूची का विषय, ठीक है, राज्य सूची का विषय, ठीक है। लेकिन ये अगर राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व होने पर राज्यसभा द्वारा कानून बनाना, राज्यसभा द्वारा कानून बनाना, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना, इसमें होगा उपस्थित व मतदान का 2/3, उपस्थित व मतदान का
2/3 वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना, एक बार में है, वो एक साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर इसको आगे और कैरी करना है तो उसके बाद में फिर से दोबारा से इसको लागू करना पड़ेगा। ये है आर्टिकल 249 के तहत। अब यहाँ पे ध्यान रखना, राज्यसभा को दो विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल हो जाएगा 312, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अखिल भारतीय सेवाओं का है वो सृजन करना या गठन करना। तो आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249 ये राज्यसभा की दोनों विशिष्ट शक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे दो आर्टिकल और दिए हुए, आर्टिकल 23 और 213। आर्टिकल 123 की बात की जाए तो यहाँ पे होगा राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। अब बात की जाए आर्टिकल 213 की, तो ये हो जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है, ये राज्यपाल का है वो अध्यादेश है। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखनी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाए। 123 है, अब यहाँ पे 213 है, ठीक है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है। 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, और आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्य सूची का कोई विषय है लेकिन वो राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर राज्यसभा कानून बना सकती है, और एक बार में है वो एक साल के लिए ही लागू होगा, लेकिन अगर इसको वो पारित करवाना है तो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत इसमें जरूरी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल, ठीक है, और इसका सही विकल्प है अनुच्छेद 312। अब बात में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है वो भिन्न है, ठीक है। तीनों अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद कौन सा है जो भिन्न है, ठीक है। अब आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 16 की बात करें, 19 की बात करें, तो इसमें सही विकल्प तो होगा आर्टिकल 14, ठीक है। अब ये सही कैसे है, तो इसमें बात की जाए तो 14 के तहत है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। ये तो बात की गई आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, समता या समानता एक ही होता है, ठीक है। अब बात की जाए आर्टिकल 19 की, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में दिया गया। अब आर्टिकल 14 किस प्रकार से भिन्न है तो इसका हम देखते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। अब जब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तो वहां पे शब्द यूज होगा नागरिक, ठीक है, और जो अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी लोगों को भी प्राप्त है तो वहां पर शब्द यूज होगा व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति शब्द में भारतीय नागरिक और गैर नागरिक, गैर भारतीय नागरिक दोनों आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। हमने 15 तो जो होता है धर्म मूल वन जाति लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और अनुच्छेद 16 हमने देखा था जिसमें लोक नियोजन के अवसर की समानता, और अनुच्छेद 19 के तहत है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं 29 और 30 की, तो 29 में है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात है वो अनुच्छेद 29 में की गई है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, ठीक है, ये बात की गई है 29 में। आर्टिकल 30 में, 30 में ये जो शिक्षण संस्था व प्रशासन का अधिकार, शिक्षण संस्थाओं व प्रशासन, प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, ये आर्टिकल 30 के तहत दिया गया है। अब 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका प्रशासनिक अधिकार, ये है वो अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने पहले बता दिया, अगर व्यक्ति शब्द आता है
किसी भी मूल अधिकार में, तो उसको ये है कि वो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त होगा और विदेशियों को भी प्राप्त होगा। जहाँ केवल नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा, और केवल भारतीय नागरिकों को, ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए हमारे यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही होगा, अनुच्छेद 14। ठीक है, वो बाकी से भिन्न है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, यानी बजट शब्द का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 110, 112, 79 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 110 की। ठीक है, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा यानी धन विधेयक की परिभाषा है वो आर्टिकल 110 में दी गई है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसाइड कौन करता है, तो इसका डिसाइड है वो लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है कि ये विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, यानी धन विधेयक का निर्धारण है वो लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है, और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के तहत है वो दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 112 की बात करें तो इसमें है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बात की गई आर्टिकल 112 के तहत। अब 79 की बात की गई, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा वो इसमें से कोई नहीं, ये 10 सही होगा। ठीक है, 10 सही होगा, क्योंकि बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, बजट की जगह है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पे चीज ध्यान रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हुआ है, न कि बजट शब्द का उल्लेख है। ठीक है, बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करके एक बार लिख देते हैं। बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस चीज का है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक आर्टिकल पीछे रह गया, आर्टिकल 79। ठीक है, हमने 110 देख लिया जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण भी लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 112 की बात की जाए तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं दिया गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में वो बजट से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, क्योंकि बजट शब्द का स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का है लेकर किया गया है। और तो इसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 79। ठीक है, अनुच्छेद 79, अब अनुच्छेद 79 में है जिसकी बात की गई वो है संसद का गठन। ठीक है, संसद का गठन, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 180 और 181। ठीक है, आर्टिकल 80 में कहा गया राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा के बारे में, और आर्टिकल 81 है लोकसभा के बारे में, आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अनुच्छेद 79 संसद का गठन, और 80 राज्यसभा से संबंधित, और 81 लोकसभा से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द ऑप्शन। उसके बाद में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, तो इसमें बात करते हैं कि कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित होगा, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 165। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 165, जिसमें कि राज्य के महाधिवक्ता का है वो उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन किया गया, तो यहाँ पे CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत इनका वर्णन किया गया। अब यहाँ पे एक आर्टिकल में है वो कन्फ्यूजन, दो आर्टिकल में, एक तो 76 में और एक 165 में। 76 भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी,
जिसका उल्लेख है वो आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक आर्टिकल और बचा है 164। तो 164 की बात की जाए तो 164 में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये है आर्टिकल 164 में इसका बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प होगा द अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 148 में सीएजी के बारे में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 76 के तहत भारत का न्याय महान्यायवादी, और 164 के तहत यह कि राज्यपाल द्वारा है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर है वो राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन सीरीज है और होपफुली ये आपको पसंद आएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन सा कब होता है। डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, सुबह 5 बजे होता है। एक सेशन होता है डेली करंट अफेयर का जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सुबह 6 बजे होता है। और पॉलिटी का कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन बेसिकली इसमें पूरे सप्ताह के है वो करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का है वो संकलन किया जाता है। और ये प्रत्येक रविवार दोपहर 12 बजे इसका है वो लेक्चर आता है। और मंडे टू सैटरडे हमारा जनरल हिंदी का सेशन चलता है और जिसमें अभी फिलहाल है वो शब्दयुगम चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।